हेलो एंड नमस्ते आई एम रेखाउनी, आई एम अ फूड ब्लॉगर एंड अ यूट्यूबर आई थैंक कि उन्होंने इतना मजेदार कांटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है एंड थैंक्स असाई कसाई फॉर स्पॉन्सरिंग दिस कांटेस्ट कि उन्होंने हम जैसे होम शेफ्स को एक प्लेटफॉर्म दिया है अपना टैलेंट और कुकिंग स्किल्स दिखाने का तो चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार रेसिपी बनाते हैं आई एम श्योर मोस्ट ऑफ इस लव ब्राउनीज लेकिन ये ब्राउनी कुछ स्पेशल है क्योंकि हमने इसे बॉटल कॉर यानी लौकी से बनाया है और यकीन मानिए कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि इसमें लौकी है क्योंकि ये इतना डिलीशियस और ड्रूल वर्ती है हमें सिक्स इंच या सेवन इंच का केक टिन यूज करना है अब असाई कसाई का नॉन स्टिक कुकिकिंग शीट यूज करेंगे केक टिन के मेजरमेंट्स के हिसाब से हमें दो शीट्स काटना है नाउ वी विल लाइन द केक टिन टन विदाई कसाई कुकिंग शीट साइड्स केक टिन से थोड़ा लंबा होना चाहिए दिस विल हेल्प इन इजीली डीमोल्डिंग द ब्राउनीज अब अवन को 180 एटी डिग्री सेंटीग्रेड पे प्री हीट कीजिए अब हम एक कप मैदा एक बॉल में डालेंगे थ्री फोर टीस्पून बेकिंग सोडा वन थर्ड कप कोको पाउडर वन फोर्थ टी स्पून नमक अब अच्छे से मिक्स करके इसे साइड में रख दीजिए अब वन थर्ड कप ऑयल एक बाउल में डालिए टू थर्ड कप चीनी पिसा हुआ हाफ टी स्पून वेनिला एक्सट्रैक्ट अब इसे अच्छे से मिक्स कीजिए अब स्लोली और ग्रेजुअली ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालें और मिक्स करें मिक्सचर कोर्स सैंड के जैसा रिसेम्बल करेगा अब वन कप ग्रेटेड लौकी यानी बॉटल गॉड यूज करेंगे इसका पानी हमें बिल्कुल नहीं निकालना है वेजिटेबल होने से अपने आप पानी रिलीज करेगा मिक्स करने पर ब्राउनीज बैटर अब रेडी है मैंने थ्री टू फोर टेबल स्पून चॉकलेट चिप्स डाला है यह बिल्कुल ही ऑप्शनल है अब चॉकलेट चिप्स को जेंटली फोल्ड करें। अब ब्राउनी बैटर को केक टिन में पोर करें और उसे इवनली लेवल करें काउंटर सेवरल टाइम्स होंगे वन टू टू टेबल स्पून चॉकलेट चिप्स और ट्वेंटी से ट्वेंटी बेक कीजिए ब्राउनीज को फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट कूल करने के लिए रख दीजिए विद्प ऑफ बेकिंग शीट आप ब्राउनीज को टेन से डीमोल्ड कीजिए लगभग चार से पांच घंटा ब्राउनीज को कूल cool होने दे वायर रैक पे अब ब्राउनीज को शार्प ग्रीस नाइफ से स्लाइस कीजिए और हर स्लाइस के बाद टिश्यू पेपर से उसे वाइप कीजिए डिलीशियस oh, brownies। ब्राउनीज तो आप ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन चॉकलेट सॉस और आइसक्रीम हो तो क्या बात है सर्व द डिलीशियस ब्राउनीज लेफ्ट ओवर ब्राउनीज को एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रेफ्रिजरेट कीजिएगा और तीन से चार दिन से पहले ही कंज्यूम कीजिएगा